हाय सिविल इंजीनियर्स, आपने ऑटोकैड का नाम जरूर सुना होगा, बट ऑटोकैड को हल्के में लेने की कोशिश बिल्कुल भी मत कीजिएगा। आपने 3 साल का सिविल इंजीनियरिंग डिप्लोमा कर लिया, आपने 4 साल का सिविल इंजीनियरिंग बीटेक कर लिया, बट बीटेक या फिर पॉलिटेक्निक करने के साथ साथ आपने ऑटोकैड नहीं किया, ऑटोकैड को आपने हल्के में ले लिया, और इसके बाद आप ये इच्छा रखते हो कि आपको अच्छी कंपनी में जॉब मिले, अच्छी पोस्ट की जॉब मिले, आपकी प्रमोशन होती रहे, आपकी सैलरी बढ़ती रहे। तो प्रेजेंट टाइम में बिना ऑटोकैड के ये पॉसिबल नहीं है। प्लीज वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो को हल्के में लेने की कोशिश बिल्कुल भी मत कीजिएगा। और इसके साथ साथ एक ऑप्शन और बनता है कि आपने सिविल इंजीनियरिंग में बीटेक कर लिया, आपने सिविल इंजीनियरिंग में पॉलिटेक्निक कर लिया और आपको जॉब नहीं मिली। बीटेक पॉलिटेक्निक करने के बाद आपको जॉब नहीं मिली तो आप करोगे क्या? आपके पास कोई ऑप्शन है? नहीं है। केवल आपके पास यही ऑप्शन था कि आपको बीटेक पॉलिटेक्निक करने के बाद जॉब मिल जाती तो आप अपने आप को बीटेक पॉलिटेक्निक करने के बाद कुछ हद तक सक्सेस मान लेते, ठीक है। बट आपने सिविल इंजीनियरिंग में बीटेक कर लिया, पॉलिटेक्निक कर लिया और आपको जॉब नहीं मिली। सो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं कि बीटेक पॉलिटेक्निक करने के साथ साथ यदि आपने ऑटोकैड कोर्स कर लिया तो आपको अच्छी कंपनी में नौकरी मिलने के बाद ऑटोकैड की वजह से आप कैसे आगे जाते हो, आपकी पोस्टिंग कैसे होती है, आपकी सैलरी कैसे बढ़ती रहती है। इसके साथ साथ बीटेक पॉलिटेक्निक करने के बाद यदि आपको नौकरी नहीं मिलती है तो कैसे आप ऑटोकैड के दम पर बेरोजगार नहीं रहोगे? आपके पास रोजगार होगा और यदि आप थोड़ी मेहनत करते हो तो 1-2 लोगों को रोजगार दे सकते हो, ठीक है। सो वीडियो इंपॉर्टेंट है, वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और देखिए ऑटोकैड कितना इंपॉर्टेंट है, आपको नौकर नहीं मालिक बना सकता है अगर आपने थोड़ी सी मेहनत कर ली। सबसे पहले बात करते हैं कि ऑटोकैड सॉफ्टवेयर है क्या। ऑटोकैड एक डिजाइन सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग सिविल इंजीनियर बिल्डिंग ब्रिज रोड कैनाल से संबंधित प्लान एलिवेशन बनाने में करते हैं, जिसको हम साधारण भाषा में डिजाइन या फिर नक्शा कहते हैं। आप इस सॉफ्टवेयर की उपयोगिता का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि कंस्ट्रक्शन यानी कि निर्माण से संबंधित कोई भी कार्य करने से पहले उस कार्य से संबंधित डिजाइन या फिर नक्शा इसी सॉफ्टवेयर पर बनाया जाता है, उसके बाद ही वर्क स्टार्ट किया जाता है। यानी कि कंस्ट्रक्शन का कोई भी इंपॉर्टेंट काम, बड़ी कंपनी का काम या फिर गवर्नमेंट का काम बिना ऑटोकैड डिजाइन के संभव नहीं है। सिविल इंजीनियरिंग करने के बाद यदि आपको लाइफ में आगे जाना है तो आपको सबसे पहले साइड इंजीनियर की जॉब करनी होती है। साइड इंजीनियर एक ऐसी जॉब है जहां पे आपको कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड सभी कुछ आपके सामने होता है, यानी कि एक तरह से प्रैक्टिकल आप किसी भी वर्क को देखते हो। इसलिए यदि आपको सिविल इंजीनियरिंग में आगे जाना है तो आपको साइड इंजीनियर की जॉब करनी ही करनी है। आपने साइड इंजीनियर की जॉब कर ली, आपको कंस्ट्रक्शन की अच्छी नॉलेज हो गई, साइड की अच्छी नॉलेज हो गई और इसके बाद आप चाहोगे कि आपकी थोड़ी ग्रोथ, यानी कि आपको थोड़ा ऑफिस का भी वर्क करने को मिले और साइट का भी वर्क करने को मिले, तो यह तभी संभव है जब आपको ऑटोकैड सॉफ्टवेयर आता हो। और सिविल इंजीनियर यदि ऑफिस में काम करना चाहते हैं तो ऑटोकैड सॉफ्टवेयर आपको आना ही चाहिए, क्योंकि ऑफिस में सिविल इंजीनियरिंग का सबसे बड़ा काम बिलिंग का होता है और बिलिंग का काम आप तभी कर सकते हो जब आप ऑटोकैड ड्रॉइंग देख सकते हो। अब आपके जहन में ये भी बात आ रही होगी कि कंपनियों में स्ट्रक्चर ड्राइंग 2 कॉपी के रूप में मिलती है, तो आपको बता दें कि वो पूरी ड्राइंग नहीं होती, उसमें पूरी डिटेल नहीं दी रहती कि आप उससे एस्टीमेट कॉस्टिंग कर सको या फिर स्ट्रक्चर का बिल बना सको। उसके लिए आपको सॉफ्ट कॉपी की जरूरत होती है जो कि ऑटोकैड के रूप में मिलती है, ठीक है। उसी सॉफ्ट कॉपी की हेल्प से आपको बिल बनाना होता है, एस्टीमेट कॉस्टिंग करनी होती है या फिर पर डे प्रोग्रेस रिपोर्ट अगर आपको लगाना है तो उसी सॉफ्ट कॉपी के हिसाब से आप लगाओगे, ठीक है। बस आप यही समझ लीजिए कि सिविल इंजीनियरिंग ऑफिस वर्क में बिना ड्राइंग के कोई भी वर्क नहीं होता, सारे वर्क ड्राइंग के आधार पे होते हैं। इसलिए आपको ऑटोकैड सॉफ्टवेयर आना जरूरी है जिससे आपकी ग्रोथ हो सके। यदि आपको ऑटोकैड सॉफ्टवेयर नहीं आता तो आपकी ग्रोथ नहीं होगी, आप साइट सिविल इंजीनियर ही बनकर रह जाओगे। अब बात करते हैं यदि आपको सिविल इंजीनियरिंग करने के बाद जॉब नहीं मिली तो इस सिचुएशन में आपके पास कौन से ऑप्शन है जिसको करके आप बेरोजगारी से दूर हो सकते हो।
ऑप्शन नंबर एक, आप प्लान और एलिवेशन बनाने का वर्क शुरू कर सकते हो। इस वर्क को स्टार्ट करने के लिए केवल आपके पास लैपटॉप होना चाहिए, जो कि सभी सिविल इंजीनियर के पास होना जरूरी है। इसके बाद आपको अपने एरिया में, अपने मार्केट में कुछ इस तरह से आपको बोर्ड लगाना है। बोर्ड लगाने से आपका एडवर्टाइज होगा और जिसको प्लान, एलिवेशन या फिर घर का नक्शा बनवाना है वो आपसे संपर्क करेंगे। ठीक है, इस काम को आप हल्के में मत लीजिएगा। प्लान एलिवेशन का काम हल्के वाला काम नहीं है। अगर आपके एरिया ने आपको प्लान एलिवेशन घर का नक्शा बनाने के रूप में स्वीकार कर लिया तो आपके पास काम की कोई कमी नहीं रहेगी। ठीक है, और इस वर्क को आप पार्ट टाइम यानी कि नौकरी के साथ भी कर सकते हो। इसके लिए आपको अपने एरिया में बोर्ड लगाना है। बोर्ड में आपका नंबर होगा, उसी नंबर पर जिसको प्लान एलिवेशन की जरूरत होगी आपसे कॉन्टेक्ट करेगा, आपको ऑर्डर देगा। आप क्लाइंट की जरूरत के हिसाब से नक्शा बनाकर ईमेल या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से उसको सेंड करोगे और नक्शा बनाने का आपका जो चार्ज होगा उस चार्ज को आप अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करवा लोगे। यदि आप सिविल इंजीनियर हो, ऑटोकैड आता है, तो आपको होम प्लान बनाने का पार्ट टाइम वर्क जरूर से जरूर करना चाहिए। इससे आप सोसाइटी से भी जुड़े रहते हो और इसके साथ साथ यदि आपको ऑटो कैड आता है तो आप अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। इस बिजनेस का नाम है ऑटो कैड सेंटर। यानी कि यदि आपको सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड ऑटो कैड आता है तो आप सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को प्लान एलिवेशन बनाना सिखा सकते हैं। ठीक है, ऑटो कैड सेंटर स्टार्ट करने के लिए आपको स्टार्टिंग में 70,000 यानी कि 70,000 लगाने होंगे, जो कि बिजनेस पर्पज से देखा जाए तो बहुत ज्यादा रकम नहीं है। ऑटो कैड सेंटर यदि आपने स्टार्ट कर लिया तो ऑटो कैड सिखाने का प्रेजेंट टाइम में मिनिमम यानी कि कम से कम जो चार्ज चल रहा है वो 7,000 कोर्स चल रहा है। यानी कि 7,000 में आपको कोर्स कंप्लीट कराना होता है और कोर्स की जो ड्यूरेशन होती है वो 2.5 से 3 महीने के बीच होती है। ठीक है, सो इस तरह से सिविल इंजीनियरिंग डिप्लोमा बीटेक के साथ ऑटो कैड करने से आपके पास कई रास्ते बन जाते हैं रोजगार के, जिससे आप बेरोजगार नहीं रहोगे। ठीक है, सो ऑटो कैड को हल्के में ना लो। बीटेक पॉलिटेक्निक अगर कर रहे हो तो बीटेक पॉलिटेक्निक के साथ साथ इस कोर्स को भी कर लो। सो अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।